भर्ती मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट ने सरकार के मौजूदा कट ऑफ को भी सही बताया है, जो कि बढ़ा दिया गया था। याद होगा आपको 45 और 40 से बढ़ा करके ये 60 और 65 कर दिया गया था। ऐसे में इसको सही बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। प्रभाकर मिश्रा मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। प्रभाकर, कोर्ट ने क्या कहा है बताइए, पूरी डिटेलिंग। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को कोई राहत नहीं मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। राज्य सरकार ने जो कट ऑफ मार्क्स बढ़ा दिया था उस फैसले को सही ठहराया है और इसका असर ये होगा कि जो मौजूदा शिक्षा मित्र हैं, जो पढ़ा रहे हैं, रोजगार जिन्हें मिला हुआ है, उनकी बर्खास्तगी का खतरा मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में वो आए थे कि उनको रिलैक्सेशन दिया जाए, कट ऑफ मार्क्स जो बढ़ाया गया है उसे 40 और 45 ही रखा जाए। कोर्ट ने उसे नहीं माना है। कोर्ट ने उन पर एक वो जरूर एहसान कर दिया है कि सरकार से कहा है कि अगली बार जब परीक्षा होगी, सहायक शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो उसमें जो शिक्षा मित्र हैं उनको एक मौका और दिया जाएगा। मतलब कि अगर वो एग्जाम देंगे अगली बार और उस समय कट ऑफ मार्क्स पाते हैं, 60 और 65 पाते हैं, तब उनकी नियुक्ति होगी, और अगर नहीं पाते हैं तो उनकी नियुक्ति नहीं होगी, उनकी नौकरी चली जाएगी। बताइए आधार क्या बताया है? ऐसे समझना होगा, बरकरार रखते हुए इस फैसले को आधार क्या बताया गया है, कोर्ट ने कहा क्या है? देखिए, जब सुनवाई, जब फैसला कोर्ट ने सुनाया तो जस्टिस ललित ने इसके अलावा कुछ तो नहीं बोला, लेकिन सुनवाई के शुरू में ही जस्टिस ललित ने बोला था कि इतने दिन से शिक्षा मित्र पढ़ा रहे हैं और अगर पढ़ाने के बावजूद उनको 60 और 65 का कट ऑफ मार्क्स नहीं आ रहा है तो उनको कैसे रियायत की मांग वो कर रहे हैं। और चूंकि यूपी सरकार की जो दलील थी वो ये थी कि कट ऑफ मार्क्स इसलिए बढ़ाया गया ताकि शिक्षकों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके, बढ़ाई जा सके, तो कुल मिलाकर हाईकोर्ट में भी राज्य सरकार की वही दलील थी, सुप्रीम कोर्ट में भी वही दलील थी और उसे कोर्ट ने स्वीकार किया है। तो कुल मिलाकर ये कि ये करीब 35-37 हजार जो शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश में, उन पर भी बर्खास्ती की तलवार लटक रही है, बेरोजगारी की तलवार लटक रही है। उन्हें एक मौका और मिलेगा परीक्षा देने का और अगर वो कट ऑफ मार्क्स 60 और 65 नहीं लाएंगे तो आज तक जो नौकरी कर रहे थे शिक्षा मित्र की, वो नौकरी चली जाएगी। उनके लिए बुरी खबर है आज सुप्रीम कोर्ट से, बहुत बड़ी खबर है। और मुझे लगता है सरकार को अब विरोध के लिए तैयार रहना होगा, देखना होगा, क्योंकि जरूर तैयारी होगी अब जब कोर्ट से बात नहीं बनी तो सड़क पर उतरने की। लेकिन शुक्रिया प्रभाकर आपका इस पर हम तक जान